नमस्कार भक्तों, जय माता दी। तो भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आसान उपाय पर। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा आसान उपाय लेकर आया हूँ जिस उपाय से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं मात्र 2 मिनट में। 2 मिनट में आप उस व्यक्ति को अपने वश में ला सकते हैं, अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। उस इंसान को, जो इंसान आपसे कभी बात नहीं करता था, उस इंसान को, जो इंसान आपकी तरफ देखता भी नहीं, उस इंसान को जो आपसे बात करके पसंद नहीं करता आपको, तो इन लोगों को भी आप अपने वश में कर सकते हैं मात्र 2 मिनट में। 2 मिनट में ये उपाय आपका जो है सफल हो जाएगा, और 2 मिनट के बाद वो इंसान आपके वश में हो जाएगा पूरी तरह से। आपकी कही हुई हर बात मानेगा जो आप उसको कहोगे। इस उपाय में आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, ये उपाय आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। इस उपाय को करने को कोई इसका समय नहीं है, ना इसका कोई दिन है। किसी भी टाइम, किसी भी दिन आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो भक्तों, ये जो उपाय है, ये उपाय को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो को पूरा देखें अंत तक, तभी जाकर उपाय जो है समझ आएगा। और आपको सिर्फ 2 इलायची लेनी है, 2 इलायची के 2 दाने, 2 इलायची लेनी है। इन 2 इलायची से वशीकरण करेंगे हम आज, इन 2 इलायची से। और आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि जिस इंसान को आप अपने वश में करना चाहते हैं, आपको सिर्फ उसका नाम, और उसको आपने देखा हो, उसका नाम और उसकी शक्ल अपने मन में याद होनी चाहिए, अपने दिमाग में, तभी ये उपाय आप कर पाएंगे। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं ये उपाय। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस किसी भक्त ने भी हमारा YouTube चैनल आसान उपाय सब्सक्राइब ना किया, तो वो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करे, ताकि हमारी हर वीडियो, हर उपाय आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उनका लाभ उठा सके। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं उपाय। आपको ये जो उपाय है, जो ये 2 लौंग है, आपको क्या करना है कि जिस इंसान को आप अपने वश में करना चाहते हैं, पहले आपको 1 लौंग लेनी है, एक लौंग लेनी है, मुट्ठी में बंद करनी है टाइट, बिल्कुल कि बाहर ना निकले, हवा तक जाने की जगह ना रखे आप, इतनी टाइट मुट्ठी बंद कर ले। उसके बाद 21 बारी मंत्र का जाप करते हुए दीपक के ऊपर से इसको घुमाना है। और मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिए, मंत्र ज्यादा कोई बड़ा है नहीं, सिर्फ आपको इतना करना है, ओम ह्रीम स्वाहा, इतना सा मंत्र है, बिल्कुल छोटा, और आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार सुनेंगे तो भी आपको ये याद हो जाएगा, ओम ह्रीम स्वाहा। तो इस मंत्र का जाप करते हुए लगातार 21 बार इसके ऊपर से घुमाना है। घुमाने के बाद आपको रखते समय 2 मिनट तक अपनी आंखें बंद करके उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं। 2 मिनट तक यही सोचना है, उसको वश में करना चाहते हैं, उसका नाम मन में बोलना है। इस तरह से 2 मिनट के बाद करने के बाद आपको ये जो इलायची है इसको रखना है। फिर आपको दूसरी इलायची लेनी है, इसमें आपको सेम यही करना है, यही मंत्र का जाप करते हुए 21 बारी फिर से इसके ऊपर से घुमाना है। घुमाने के बाद आपको करना क्या है, इसके बाद दोनों को, जो 2 लौंग है, जो ये 2 इलायची है, इन दोनों इलायची को एक मुट्ठी में बंद करने के बाद फिर 11 बार आपको दीपक के ऊपर से घुमाना है, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए। अब की बार 11 बार आपको उस इंसान का नाम लेना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। 11 बार घुमाने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो 2 लौंग, ये जो 2 इलायची के दाने हैं, क्या करने हैं आपको, इन 2 इलायची के दानों को खोलकर चबा जाना है। एक जो लौंग है, ये जो एक इलायची है, एक खोलकर आपको जितने दाने हैं उसको चबा देने हैं। उसके बाद जो दूसरी वाली इलायची है, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर उससे कोई बात बूत होती है तो आप उसको खिला सकते हैं, जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हो उसको खिला सकते हैं। अगर आप नहीं खिला सकते तो आपको क्या करना है कि आपको उसकी फोटो के साथ, उसकी फोटो के साथ इसको किसी कागज के अंदर बंद करके रख देना है। और तुरंत ये काम करने के बाद वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा मात्र
2 मिनट के अंदर वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा और आपका कहना मानने लगेगा पूरी जिंदगी भर। जो आप कहोगे वही वो करेगा, पूरी जिंदगी भर आपका कहना मानेगा। और ये भक्तों, मैंने आपको बताया कि ये उपाय कितना आसान है, तो जिस तरह से इस उपाय को मैंने समझाया है तो आप इसको पूरी तरह से समझ के करें। ये उपाय इतना कुछ ज्यादा है नहीं कि आप उसमें कुछ भूल जाए, छोटा सा मंत्र है, छोटा सा ये उपाय है, पर इस उपाय का फायदा आपको बहुत बड़ा मिल जाएगा अगर आप इसको सच्चे मन से करेंगे। तो भक्तों, यही था ये हमारा उपाय आज का। तो इस उपाय को आप समझ के ही करें, तभी आपके लिए फायदा है। और आप किसी गलत काम के लिए ना करें, गलत काम के लिए करेंगे तो इसका जो बुरा असर है वो आपके ऊपर ही आएगा। जिस इंसान का प्यार सच्चा है उसी के ऊपर ये काम करेगा। कोई आप गलत काम के लिए इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको बाद में बहुत भुगतना पड़ेगा। तो भक्तों, समझ के ही काम करें, तभी जाकर आप काम की जो सफलता मिलेगी आपको उसका लाभ उठा सकेंगे। भक्तों, यही था हमारा उपाय। तो हमारा जाने का समय हो गया। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस किसी भक्त ने भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया आसान उपाय, तो वो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो हर उपाय आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उनका लाभ उठा सके। तो भक्तों, जय माता दी।